ब्लैकमेल के डर से वालेरा महंत पास भारती ने रसी झूठी अपहरण की कहानी। एसपी ने पूरे मामले का किया खुलासा। साइल उपखंड क्षेत्र के वालेरा मठ के महंत पास भारती महाराज ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अपने अपहरण की झूठी कहानी रसी थी। महंत ने अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा किया था। बाबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाड़ी के शीशे तोड़े और फिर किसी मठ में चले गए थे। 3 दिन गायब रहने के बाद महंत अचानक सिरू के रेवदर कस्बे के आबकारी थाने पहुंचे और किडनैपर्स के जीरावल रोड पर नाले के पास छोड़कर जाने की बात कही। हालांकि पुलिस पूछताछ में महंत ने खुद ही अपहरण की झूठी कहानी बनाने का कबूल किया है। पूरे मामले में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि रविवार शाम को महंत के सिरोही जिले के रेवदर कस्बे में मिलने पर जालोर की कोतवाली पुलिस एसएसओ अरविंद कुमार की टीम रेवदर पहुंचकर महंत को जालोर लेकर आई और पूछताछ की, जिसमें महंत पार्श भारती ने अपहरण की साजिश रचना कबूल कर लिया। एसपी ने बताया कि कुछ दिनों से 5 व्यक्ति उनका कोई वीडियो होने की बात कहकर महंत को ब्लैकमेल कर रहे थे और पैसे मांग रहे थे। उन्होंने आरोपियों से पीछा छुड़ाने के लिए अपने 3 साथियों मोवनाराम पुत्र वदाराम, भवाराम उर्फ भवेंद्र पुत्र मोवनाराम निवासी वालेरा और सुजाराम पुत्र भक्ताराम निवासी मंगलवा के साथ मिलकर खुद अपने अपहरण की कहानी रसी थी। प्लान के मुताबिक वह जागरण में कहे जाने के लिए निकले, वहीं दौरान रास्ते में अपनी गाड़ी के शीशे तोड़े और अपने जूते कपड़े बिखेर कर किडनैप की घटना का रूप दिया। इसके बाद अपने पहचान वाले की मदद से सिरोही के पौसिंद्रा स्थित धर्मनाथ जी महादेव मंदिर चले गए, जहां 3 दिन छुपे रहे। एसपी ने बताया कि महंत पार्श भारती को ब्लैकमेल कर रुपए मांगने और रुपए नहीं देने पर बदनाम करने की धमकी देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनको डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने नागेंद्र सिंह पुत्र मोहनलाल निवासी जटंत्री, अभय सिंह पुत्र राम सिंह निवासी मदनौकावा जसोल, छत्तर सिंह पुत्र हड़मता जी निवासी इंद्राणा, महावीर पुत्र सुजाराम घासी निवासी कनाना और जोग सिंह पुत्र भवर सिंह निवासी जटंत्री को डिटेन किया है। आपको बता दें कि वालेरा स्थित दुधेश्वर महादेव मठ के महंत पार्श भारती गुरुवार रात को किसी जागरण में कहे जाने का लेकर निकले थे। शुक्रवार सुबह महंत की गाड़ी वालेरा ग्राम में ही काकी रोड पर शीशे टूटे मिली और गाड़ी में महंत के जूते व कुछ कपड़े बिखरे मिले थे। ग्रामीणों ने अज्ञात लोगों द्वारा किडनैप की जानकारी साइला पुलिस को दी थी। पुलिस की 6 टीमें महंत को खोजने में जुटी हुई थी। जालोर एसपी ने महंत के ढूंढने पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन महंत के सामने आते ही अपहरण की पूरी कहानी झूठी निकली। पुलिस के पूरे मामले में पहले से ही संदेह था, जिसको लेकर पुलिस हर संभावित पहलू पर जांच कर रही थी, लेकिन महंत के सामने आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो गया।